जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। कुछ चीज़ें हमने पहली पिछली क्लासेस में कवर कर ली थी, लेकिन उनका भी रिवीजन करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज नज़र आ रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज की क्लास बस यहीं तक है और मैं आपको कुछ 25 असाइनमेंट दे रहा हूँ। और इन असाइनमेंट को आपने नेक्स्ट वीक तक जो है वो कंप्लीट करना है। और एक बात आपने याद रखनी है, चाहे रिश्ता टूटे पर असाइनमेंट का दामन कभी ना छूटे। असाइनमेंट तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। हाँ कड़वे, कैसा दिया? कैमरा चल रहा है जी? तो आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशनल बिटवीन डेटाबेसेस। पहली बात तो सबसे पहले मुझे आप सारे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर ये जो आप सर आपका फोन खराब है, सर नया फोन ले लो सर। सर हम खेल ही नहीं रहे आपके साथ, मतलब क्या है सर? आपका नेट ही स्लो है सर। सर मुझे तो आ रही है और बहुत ही साफ सुथरी आ रही है, मतलब क्या आवाज है आपकी, मतलब उफ, बहुत ही पुरनूर, बहुत ही पुरतासीर और बहुत ही मुअद्दबाना गुफ्तगु करते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ काश मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ। सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही। एक बात बताओ, ये जो आखिरी आवाज थी ये किसकी थी? सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो आपको भी नहीं आ रही आवाज, एक मिनट जरा रुकिएगा, अभी आ रही है आवाज, आ रही है ना? ठीक है। भाई कैसे हो? ठीक हो, मतलब बच्चे बच्चे कहते हैं फिट वाड़े, भाई कैसे हो? अबे यार ये क्लास में सिखाया था क्या ये सब? हाँ यार ये तो करवाइए सर, हाँ ये करवाइए। अबे बॉसी टुकड़े वाले, माइक म्यूट करो अपना, बल्कि सब अपना माइक म्यूट करेंगे, बल्कि मैं ही यहाँ पर सबको म्यूट कर देता हूँ। ये मैंने म्यूट कर दिया। A few moments later, बेटा कोई बता सकता है कि ये माइक जो है ये अनम्यूट कैसे होगा, ताकि किसी के दिमाग में कोई सवाल जवाब हो तो वो पूछ सके। पैसा बर्बाद, ये कहाँ फंसा दिया है मेरे को? सर सर मेरा भी एक सवाल है सर। सर व्हाई डू वी यूज सीक्वल कॉन्स्टेंट्स? सर इन विच कॉन्स्टेंट्स वी कैन यूज व्हाइल क्रिएटिंग अ डेटाबेसेस? एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर द वर्किंग प्रिविलेजेस ऑफ सीक्वल डेटाबेसेस सर? थैंक यू सर। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट द आंसर इज, तुम दिखने में तो अच्छे लग रहे हो। भीगे होंठ तेरे, प्यास। काम करो, तुम्हें मैं प्राइवेट नहीं बताऊंगा, तुम प्राइवेट में आना, ठीक है? अब एक काम करते हैं, बेटा आप जरा एक मिनट रुको, मैं जरा एक मिनट में आता हूँ, ठीक है? आप जरा एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। अब ओरिजिनल कंटेंट सुनो सर, दही लेने गए शायद। क्या बात, नाते वल्लो ये तो गलत बात है ना, अम्मा ने उनकी नेट बंद कर दिया, बोले जा दही लेकर आ। बबीता कौन है ये? चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। अबे उसकी शक्ल देख, इन्हें सड़ी की शक्ल लेके गए बंद कर इसको। गरमंडी
जर्मनी क्या कहने क्या कहने क्या कह दिया जाए पंजाब कोकोनट ये नारियल वाली कुल्फी वाली नारियल वाली कुल्फी जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं हो तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए सॉरी सर कहाँ से आए हो बेटा गलती से आए हो क्या कर रहे हो यहाँ पर कर लो जो करना है कर लो टिकट दे के आयो ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद तुम जो है वो टिकटॉक का मुजरा भी स्टार्ट कर देना यहाँ से सॉरी सर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपने को भी कुछ कहना है आप उनका ना यहाँ पर दम घुटेला है ये क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है आप उनको ना गो टू वॉशरूम क्या बोलता है एक काम करो तुम जाओ लेकिन वापस मत आना सीआर यस सर सीआर हाँ इसका जो है वो सीरियल नंबर और सीट नंबर जो है वो नोट मैंने पहले से लिख के रखा है सर ये बॉय ठीक है भाई लोग फिर मिलते हैं ठीक है सारे के सारे नल्ले मेरी क्लास में भर दिए इन्होंने ओके तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नहीं सर प्लीज सर और मत पढ़ाएं सर पहले हम इसको तो हजम कर लें सर इसकी तो प्रैक्टिस कर लें सर हमें तो ये भी नहीं आता सर सर नेट भी बंद होने वाला है नमाज का भी टाइम हो गया सर बहुत ज्यादा गर्मी है सर एक घंटे से गर्मी में बैठे हुए हैं सर मेरी एक टांग निकली है मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और सर जब से आपने जो है क्लास स्टार्ट किया 10 बार घर वाले किसी ना किसी काम से भेज देते हैं सर और देखिए अम्मी फिर आ रही है सर अम्मी क्या कर रही है आप मैं ऑनलाइन क्लास चल उठ निकम्मे निकलने सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता है चल जाके दरिया पोदीना लेकर चल जा झूठ बोल रहे हो तुम अम्मी ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ सर मेरे सामने बैठे इधर देखे नेक्स्ट क्वेश्चन सर यस सर तो ये जो आपने असाइनमेंट दिया है सर आपने कहा था कि ये मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा घर के लिए नहीं दूंगा फिर आपने घर के लिए क्यों दिया सर साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ ये मैंने क्लास में समझा दिया था अब क्लास में सारे दिन सोए रहते हो बाद में इस तरह के सवाल करते हो शर्म तुमको मगर आती नहीं अब काबा किस मुंह से जाओगे खाली अरे यार सही वाले पागल बना रहे हैं तो ये मतलब पहले 4 महीने से सोए हुए थे अब अचानक से जाग गए और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी अरे जो चीज़ एक बच्चे को क्लास में समझ नहीं आती वो ऑनलाइन क्लास में क्या खाक समझ आएगी जहाँ हर 2 मिनट बाद कभी कनेक्शन टूट जाता है कभी वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाती है कभी लाइट चली जाती है कभी नेट पैकेज खत्म हो जाता है कभी आवाज़ नहीं आती आवाज़ आती है तो वीडियो नहीं आती वीडियो आती है तो आवाज़ नहीं आती आती जो है वो भी कट कट के आती है ऊपर से इनको 2 सेमेस्टर के एग्जाम भी एक साथ लेने अरे जो बच्चा 6 महीने में 1 सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दे सकता वो 4 महीने में 2 सेमेस्टर की एग्जाम कैसे देगा ऊपर से उसने अपनी 4 सप्लियाँ अलग लगा रखी है अरे यहाँ दुनिया की लगी पड़ी है और इनको असाइनमेंट की पड़ी है ऊपर से इनको 2 सेमेस्टर की फीस एक साथ चाहिए अरे यहाँ लॉकडाउन में जहर खाने को पैसा नहीं है और इनको सारी फीस एक साथ चाहिए हालांकि इन्होंने हमें 1 सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाया ऊपर से हमने कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया कोई लैब यूज़ नहीं की कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की कोई लेक्चर नहीं लिया कोई इलेक्ट्रिसिटी अरे जब हम आए नहीं तो घंटा हमने कुछ यूज़ किया है ऊपर से इंटरनेट हमारा लैपटॉप हमारा और ऑनलाइन क्लास में समझ तो कुछ आएगा नहीं तो हमें मजबूरन ट्यूशन लेना पड़ेगा उसकी फीस अलग और ये तो जैसे तैसे हुआ सो हुआ लेकिन पेपरों का क्या होगा बड़ा 5G लगा हुआ है हमारे मुल्क में घर तक तो सिग्नल आते नहीं कभी कैमरा लेके यहाँ चढ़ रहा हूँ कभी कैमरा लेके यहाँ चढ़ रहा हूँ लोग समझ रहे मैं टिकटॉक बना रहा हूँ जिसका जब देखो जब दिल चाहता है आके ले लेता है क्लास अरे हमारे भी कुछ हकूक है हमारे भी कुछ काम हो सकते हैं हम भी मसरूफ हो सकते हैं अरे आप लोगों को फीस देनी है तो ले लो ना यार पर कम से कम 1 सेमेस्टर तो प्रमोट कर दो ताकि दूसरे सेमेस्टर पर तो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके ओ भाई क्या है बे अबे सर तुझे देख रहा है क्या कैमरा तो ऑफ कर भाई